क्योंकि आज हम उस महात्मा गांधी जी के शरण में बैठे हैं जो सत्य के पुजारी थे, और अगर उस सत्य पुजारी की शरण में बैठकर भी अगर भाजपा के मेरे साथी झूठ बोल दें तो भी ये असत्य होगा। मलिन बस्ती पे आप दोनों पार्टियों ने हमेशा वोट लिया है, मलिन बस्ती वाले लोग हमारे हैं, इन्होंने कहा हमारे हैं, पर व्यवस्था किसी ने नहीं, केवल वोटों की राजनीति में गरीबी रखी। आज भारतीय जनता पार्टी ने गरीब को समर्पित सरकार के भाव से काम किया है। दून अस्पताल में स्मार्ट शौचालय बनाया लेकिन दून अस्पताल में MRI मशीन नहीं है, ये दुर्भाग्य है। अगर फ्री में मुझे मेरा बाप मुझे फैसिलिटी देते तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। हिंदू न मुसलमान, हिंदुस्तान की बात करते तो समझ में आता कि मंदिर बन तो जाए अच्छी बात है लेकिन मस्जिद टूट के बने तो अच्छी बात नहीं है। आप अपने मुद्दे भूल जाते हो और फिर जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर देते हो। जो वो जवाब देना चाह रहे हैं वो आप सुनना नहीं चाहते। जनता को दबा रहे हो आप लोग चिल्ला चिल्ला के। एक तरफ तो आप कभी टोपी पहन लेते हो, मुस्लिम वोट चाहिए होते हैं आपको, आप राजनीति कर रहे हो या समस्या सॉल्व करने आए हो? सदन के अंदर इनके नेता प्रतिपक्ष कहते थे विजय भोगना घोटाले बाज है, इनके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का स्कैन हुआ उसकी CBI जांच क्यों नहीं हुई, इनके मुख्यमंत्री को केदारनाथ से भगाया गया उस पर क्यों जवाब नहीं देती भारतीय जनता पार्टी? सुन लीजिए, इस बच्चे में या भाई में इतना दम है ना, दो पार्टियां इसकी तरफ देख रही है, यार ये हमारे में मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। बहुत सही प्रश्न है इसके और आपको जवाब देना पड़ेगा। बच्चे ने जो अपनी अंदर की जो आवाज थी वो निकालने का कार्य किया, इस बच्चे को भी जवाब मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ हरीश असवाल। हम आज आ पहुंचे हैं राजपुर विधानसभा क्षेत्र में और ये जगह जो है गांधी पार्क, जहां पर कोई असत्य की बात नहीं होगी, सिर्फ सत्य की बात होगी, सत्य पे काम करेंगे। आज हमारे साथ बीजेपी से हैं विशाल गुप्ता जी। विशाल गुप्ता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस से हैं मोहन काला जी का बहुत बहुत स्वागत। आम आदमी पार्टी से फिर एक और विशाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आज सत्ता पक्ष से पहले ले लेते हैं क्योंकि 4.5 साल ऑलमोस्ट 2 महीने रह गए हैं आपके पास। अब आपने अपने जितने आपने वादे किए थे, आपने जितनी योजनाएं बनाई थी, जमीन पे उतरी नहीं उतरी, उन सब के बारे में बताएं, उसके बाद आगे आपसे प्रश्न लेंगे। जनता के समर्थन से, जनता के आशीर्वाद से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनी और जब से अब तक का जो सफ़र रहा हमारे विधायक खजानदास जी का, जो राजपुर रोड के सम्मानित विधायक हैं, उनके नेतृत्व में चौमुखी विकास की जो धारा बहनी चाहिए राजपुर रोड विधानसभा में, हर गली नुक्कड़ हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने विकास की किरण को बाने का काम किया और हर समय तैयार रहे अपनी जन के लिए, जन सरोकार के लिए, जन के कार्य करने के लिए। हर समय आधी रात को भी कभी बाढ़ की स्थिति आई है, जब भी कोई भी दिक्कत बस्ती क्षेत्र के अंदर आई, क्योंकि रिजर्व विधानसभा है, अनुसूचित विधानसभा है, उसमें हर पल उन्होंने अपनी उपस्थिति को दर्ज करने का कार्य किया और विधायक जी के जो कार्य है बहुत सराहनीय है और जनता उनको अप्रिशिएट करती है। अगली बार भी हमारे विधानसभा में 2022 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनकर आने वाला है। चलिए, आप कहते हैं उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं, कांग्रेस से ले लेते हैं। हाँ जी, अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं करते हैं ये आपसे जानेंगे, क्योंकि सत्य तो अपोजिशन ही बोलता है। जी बताएं। अभी आपने सुना कि 4.5 साल और आप खुद भी कह रहे हैं कि 4.5 साल का विकास। हाँ जी। आप अगर घंटाघर से और राजपुर रोड जो महत्वपूर्ण जगह पे जहाँ बैठे हैं आज गांधी पार्क में, और आपने भी कहा कि यहाँ सब सत्य ही सत्य चलेगा। हाँ जी। क्योंकि आज हम उस महात्मा गांधी जी के शरण में बैठे हैं जो सत्य के पुजारी थे, और अगर उस सत्य पुजारी की शरण में बैठ कर भी अगर भाजपा के मेरे साथी झूठ बोल दें तो भी ये असत्य होगा। और कितना विकास इन 4.5 सालों में इस राजधानी देहरादून और इस महत्वपूर्ण विधानसभा जो देहरादून की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा है 20 राजपुर रोड, उसमें अगर आपने विकास देखना तो आप घंटा घर से और ऊपर कांग्रेस भवन तक घूम के आइए, आपको विकास अपने आप जो है वो दिखाई दे जाएगा। बाजारों का क्या हाल है, सड़कों का क्या हाल है, नालियों का क्या हाल है, पुस्तों का क्या हाल है, मलिन बस्तियों का क्या हाल है, ये सारा विकास आपको 4.5 साल में दिखाई देगा जो मैं समझता हूँ। और इसका जवाब भी जो है जनता जो है 2022 के चुनाव में इस राजपुर की विधानसभा की जनता के साथ साथ उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है। चलो, अभी आपसे वापस आऊंगा मैं आपके पास, आम आदमी पार्टी से भी ले लेते हैं। हाँ जी विशाल जी, आप बताएं कितना सत्य है इसमें। सबसे पहले तो मैं बधाई के पात्र हैं आप न्यूज इंडिया चैनल जो लगातार जन सरोकारों को लेकर ऐसी परिचर्चाएं कर रहा है, और मैं आपको शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ। अभी जिस प्रकार से मेरे समकक्ष बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विकास की बात कर रहे हैं तो आज स्थिति यथावत है, आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि अभी राजपुर विधानसभा के अंतर्गत अगर आप एक दौरा करके देखें, खुरबड़े से लेकर
मन्नूगंज की अगर बात करें, कावली रोड की बात करें, तो सड़कों की स्थिति आप जाकर देखिए, सड़कें जीर्ण सीन अवस्था में है। सरकारी स्कूल आपने बड़े वादे किए थे कि हम सरकारी स्कूल दुरुस्त करेंगे, आप उनकी स्थितियां देख लीजिए, सरकारी अस्पतालों की स्थितियां देख लीजिए। दूसरी बात, मालिकाना हक को लेकर आपने जो लॉलीपॉप लगातार मलिन बस्तियों को लोगों को दिया, और सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण की जो मांग थी कि जनसंख्या के आधार पर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हो, उस पर भी आपने अभी तक कोई प्रकाश नहीं डाला, और लगातार आप न्यूनतम वेतन से भी नीचे की दरों में सफाई कर्मचारियों से अपना कार्य करा रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से आपको कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी हिंदू वाद के रूप में जो काम कर रही है, चाहे देवस्थानम बोर्ड को लेकर कोई विषय रहा हो, या आज बेरोजगारी को लेकर कोई विषय हो, या आज आप समझ सकते हो महंगाई की जो बात करें, मैं सेंचुरी पार कर चुके हैं आपकी सरकार में, आज पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम आज कहाँ छू रहे हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। और मैं समझता हूँ कि अभी विगत कुछ दिन पूर्व हिमाचल प्रदेश में जो परिणाम आए, तो 7 रुपये सीधा पेट्रोल के दाम पर कम हुए, और निश्चित रूप से मैं जनता से भी विश्वास जताता हूँ, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है, तो महंगाई तभी कम होगी जब आप इनके सांसदों को हराओगे और इनके विधायकों को हराओगे। जनता में से कोई सवाल कोई करना चाहता है? तैयारी का, हाँ जी, कौन करना चाहता है? हाँ जी आप करना चाहोगे? जानना चाहूंगा कि किससे जानना चाहोगे आप पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, कि कोरोना काल में ये पार्टी कहाँ गई थी उस टाइम पे, जिस टाइम विधायक खजान दास जी दून हॉस्पिटल के सामने 27 दिन तक भोजन चलाया उन्होंने, ऑटो एम्बुलेंस, इन्होंने क्या किया उस टाइम पे? चलिए, आपने क्या किया साहब? कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से सवाल, आपने किया क्या कोरोना काल में? कहाँ थे आप लोग? देखिए, जिस जनता ने विधायक चुना के भेजा था, अगर उनके लिए कुछ इन्होंने किया कोरोना काल में, तो कोई जनता पे एहसान नहीं किया। आप पत्रकार साथी हैं, मेरे नौजवान साथी ने जो सवाल किया, मैं नौजवान साथी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप खुद इस बात के साक्षी है देहरादून का मीडिया, कि देहरादून के कांग्रेस भवन के बाहर फ्री एम्बुलेंस सेवा कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया। सोनिया रसोई के माध्यम से हमने लगातार 2 महीने कोरोना काल में देहरादून के अंदर भोजन की व्यवस्था, लोगों को कोरोना काल में जो लोग मुसीबत के दौर में थे उनको दवाइयाँ पहुँचाने का काम किया, किसी से नहीं छुपा। मेरे साथी भाई विशाल गुप्ता जी बैठे हैं, अगर वो आज सच्चाई बयां करेंगे तो उनसे पूछेगा, वो खुद बताएंगे कि सोनिया रसोई के माध्यम से पूरे देहरादून के अंदर, राजपुर विधानसभा के अंदर कांग्रेस का एक एक साथी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो एक एक व्यक्ति के घर पर था और उनकी मदद कर रहा था, ये लोग उस वक्त निकल कर आए जब जनता ने सवाल करने शुरू करे, जब जनता ने सवाल खड़े कर दिए भारतीय जनता पार्टी पर, जो 57 के बहुमत वाली पार्टी है, जब उस पर, तब ये निकल कर लोगों की मदद के लिए आए। और अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से 4.5 साल विकास की गंगा की आप बात कर रहे हैं, वो विकास इतनी तेजी से भागने लगा था कि उस विकास को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। आप समझ सकते हैं कि विकास कितनी तेजी से भाग रहा था। पार्टी को मुख्यमंत्री बदलने पड़े, ये अलग विषय है, हम अभी क्षेत्र पे जाएंगे। और हाँ जी, विशाल जी, आपसे भी प्रश्न है इनका कि कोरोना काल में कहाँ थे आप? देखिए, कोरोना काल में आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर जाकर जनता को सहयोग कर रहा था, और एक समय कोरोना काल में ऐसा आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका था, लोग सिलेंडरों को लेकर मारामारी मच चुकी थी, लोग गुरुद्वारों की ओर जा रहे थे, लोग आपने क्या किया? हम लोगों ने जनता का सहयोग करा, और प्रमाणिकता है हमारे पास जनता के सहयोग करने की, लेकिन एक जनप्रतिनिधि को अगर आप ये कहें कि उसने इतना काम किया, तो उसकी तो भाई जिम्मेदारी बनती है। 20 करोड़ रुपए की अगर निधि 5 साल में किसी जनप्रतिनिधि की है, तो निश्चित रूप से विकास कार्य की हमसे अपेक्षा करेंगे आप लोग। चलिए, आप बोल रहे हैं कि उन्होंने किया है तो उनकी जिम्मेदारी थी। हाँ जी, कोई और कोई प्रश्न करना चाह रहा है यहाँ से? हाँ जी, आप करना चाह रहे हो? हाँ जी, बताएं, किससे प्रश्न है पहले तो बताएं। मेरा प्रश्न आम आदमी पार्टी से है। हाँ जी, आम आदमी पार्टी चौतरफा, आम आदमी पार्टी जो अपना मॉडल दिखा रही है, दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड मॉडल बनाएगी, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, दिल्ली में जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं ताहिर हुसैन, ऐसे नेता उन्होंने बनाए जो यहाँ पर, वहाँ पर अहिंसा कर रहे हैं, मतलब मारपीट कर रहे हैं, उत्पाद कर रहे हैं, क्या यहाँ पर सरकार ला गई यहाँ पर भी ऐसा माहौल बनाएंगे, दंगों का शहर उत्तराखंड को बनाएंगे? नहीं, ऐसे तो कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे ना, ऐसा बनाएंगे। हाँ जी 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 जी, मैडम आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ये सब बीजेपी का करा धराया था, सब बीजेपी ने किया था, इसमें आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता शामिल नहीं था। जिसका नाम आप ले रहे हैं वो बिल्कुल शामिल नहीं थे, ठीक है? ताहिर हुसैन मुझे मालूम है, ताहिर मैडम आप इसको ना माने वो अलग बात है, आप डिबेट में नहीं है, डिबेट आप इस बात को ना माने वो अलग बात है, पर चलिए पूरी जनता ने देखा है, जनता बिल्कुल बताएगी आपको। और कोई सवाल? हाँ जी, दंगे नहीं भड़का
ठिकाने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं कोई नहीं, मैं दंगे नहीं होने चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई और बोल रहे हैं? हाँ जी आप बताएं जी, बीजेपी से सवाल है। हाँ जी बीजेपी से सर, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम स्वच्छ भारत बना रहे हैं। एक आपका राजपुर विधानसभा का मैं इलाका बताता हूँ आपको, गुरु राम राय स्कूल है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, वहाँ पर आपके 4-4.5 से गंदगी का ढेर है, उसके बारे में आप क्या क्या कार्य करा आपने? कभी वहाँ पर जाके आपने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ से गुजरते हैं और दुनिया भर का कूड़ा वहाँ पर कूड़ा दान बना रखा है, गुरु राम राय बिंडाल वाला, आप देखें वहाँ पर कितनी गंदगी है, छोटे छोटे बच्चे वहाँ से गुजरते हैं बरसातों में पैरों में। जी सीधा प्रश्न है आपसे, प्रश्न बताया है गुरु राम राय के पास कबाड़ का, अनेक विशाल जी ने भी रखा है, काला जी ने भी रखा है। 4.5 साल में अभी घंटाघर के सौंदर्यकरण की बात आए या गांधी पार्क के सौंदर्यकरण की बात आए, अभी विशाल जी ने कहा घंटाघर से लेकर कांग्रेस भवन तक काला जी ने भी कहा कि क्या सौंदर्यकरण हुआ है। इतना बड़ा स्मार्ट सिटी का कार्य एक दिन में होता है पूरा, और स्मार्ट क्लासे स्मार्ट स्कूल बनाना, सिटी बोर्ड स्कूल जो आज कल तक कहाँ बच्चे नहीं जाते थे आज स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित हुआ है, ये स्मार्ट नहीं है। आज पलटा मैदान में शौचालय की जो दिक्कत का सामना करना पड़ता था, स्मार्ट शौचालय का निर्माण हुआ, वो अच्छा नहीं है। दून अस्पताल में स्मार्ट शौचालय का निर्माण किया गया, वो अच्छा नहीं है। परेड ग्राउंड में स्मार्ट शौचालय का निर्माण किया गया, वो अच्छा नहीं है, वो जन सरोकार नहीं है। विवाद करना, विरोध करना, आरोप लगाना बहुत ईजी है सत्ता पक्ष के साथ, सत्ता हर कोई भी विधायक है, लेकिन आज विधायक खजानदास जी ने अपने संवेदनशीलता अपनाते हुए हर क्षेत्र के विकास के लिए, जिस क्षेत्र से विशाल भाई आते हैं, शिवाजी नगर क्षेत्र, लक्ष्मण चौक पुलिस चौकी के पीछे का पूरा क्षेत्र, जहाँ इतनी जटिल समस्या शिविर की थी, कामली रोड से इतनी बड़ी सीवरेज जाती थी, इतना बड़ा बजट खर्च होना था, वहाँ विधायक जी ने संवेदनशीलता अपनाते हुए इतना बड़ा बजट खर्च करके पूरी कामली रोड की सीवर कमेंट बल्ले फैक्ट्री तक पेट्रोल पंप तक बनाने का कार्य किया, और अंदर शिवाजी नगर के जितने भी सीवरेज वहाँ जुड़नी चाहिए थी वो सारी जोड़ने का कार्य किया। एक बोलना और करने में बहुत अंतर है, माननीय विधायक जी ने इतना सरोकार किया है, जनता उनके सरोकार को मानती है, और आने वाले समय पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयश्री होगा, माननीय विधायक खजानदास जी हमेशा जीतेंगे। अच्छा अच्छा, इनका कुछ प्रश्न मेरे पास भी आए हैं, मलिन बस्ती के ऊपर प्रश्न है। मलिन बस्ती पे आप दोनों पार्टियों ने हमेशा वोट लिया है, दोनों ने, इन्होंने कहा हमारे हैं मलिन बस्ती वाले लोग, हमारे हैं, इन्होंने कहा हमारे हैं, पर व्यवस्था किसी ने नहीं की। आप बताएं जी, मलिन बस्ती के टाइम पे आप लोग कहाँ चले जाते हो? हम वोट चाहिए आपको मलिन बस्ती से, मुझे बताइए मलिन बस्तियों को बसाने का अधिकार किसने दिया? आप बताएं ना मुझे, आपने किसने दिया? 1984 में जो है, अगर इंदिरा जी ने आबाद जो वीरान बस्तियां थी, जो वीरान जगहें थी, अगर उनको आबाद करने के लिए अगर लोगों को आह्वान ना किया तो आज ये मलिन बस्तियां होती? और कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, आप देखिए ना 2016 में हमने देहरादून से जो है नवंबर 2016 में 75 लोगों को मालिकाना हक देकर जो है हमने नियमितीकरण करने की स्थिति को बिल्कुल क्लियर किया हरीश रावत जी के नेतृत्व में। 75 लोगों को देहरादून में चिन्हित कर जो है मुख्यमंत्री आवास में उनको मालिकाना हक दिया गया। 400 करोड़ रुपए का बजट जो है वो मलिन बस्तियों के सौंदर्यकरण के लिए पूरे प्रदेश में जो 583 बस्तियां उनके सौंदर्यकरण के लिए दिया गया, और यहां तक कि उस सौंदर्यकरण के लिए और पूरे चिन्हीकरण के लिए जो है राजकुमार जो यहां से पूर्व विधायक थे राजकुमार जी उनके नेतृत्व में जो है मलिन बस्ती सुधार समिति जो है गठन किया गया, जिनको पूरे प्रदेश में जो है 400 करोड़ रुपए का जो है 400 करोड़ रुपए जो है जो बजट दिया गया। हाँ जी जवाब दीजिए मलिन बस्ती के ऊपर। सबसे ज्यादा संवेदनशीलता अपनाने का काम सरकार भारतीय जनता पार्टी ने किया है मलिन बस्ती के नियमितीकरण को लेकर। प्रदेश की जितनी भी बस्तियां थी नियमितीकरण के अंतर्गत आनी चाहिए थी, जो अभी काला जी कह रहे थे इनके विधायक जो पूर्व में रहे हैं राजकुमार जी उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बहुत ताजमहल बनाया अपने पास, अपने घर को ताजमहल नुमा बनाया, और जो बिजली के तार थे ना वो गरीब बच्चे जो मर रहे थे 8 बच्चे वहाँ झुलस के मर गए, गरीब के छत के ऊपर डाल दिए अपने घर से हटाकर। ऐसे तो इनके विधायक जी की संवेदनशीलता थी जो आज कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता हमारे सामने विषय रख रहे हैं। आज विधायक जी ने इतना बड़ा बजट खर्च कर मुख्यमंत्री जी के बजट को लेकर आज वो तारों को हटाने का कार्य किया, जो राजकुमार जो पूर्व के विधायक थे उनके घर के आगे से जो गरीब बच्चों को मारने का कार्य किया, और वहाँ एक नमामि गंगे के माध्यम से इतना बड़ा समुदाय भवन आज डालनवाला क्षेत्र के अंदर बना है, जहाँ लोगों के रैन बसेरा की तरीके के प्रयोग किया जा रहा है, बड़ा घर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, और एक समुदाय भवन जहाँ आपने पिछली बार भी एक सभा की थी, ये कार्यक्रम किया था, वो केवल उसकी चाबी राजकुमार जी के पास रहती है।
आज गरीब के लिए बात करते हैं, गरीब का अधिकार छीनने की बात करी आपने। आज हमने कहा कि हमने बस्तियां बसाने का काम किया, मलिन बस्ती को बसाने का काम कांग्रेस पार्टी कहती है हमने किया, लेकिन उनको बिजली का मीटर नहीं लगाने दिया, उनको बैंक में अकाउंट नहीं खोलने दिया, उनके घर में पानी का कनेक्शन नहीं आने दिया, ऐसे गरीब को गरीब रहने दिया, केवल वोटों की राजनीति पे गरीबी रखी। आज भारतीय जनता पार्टी ने गरीब को समर्पित सरकार के भाव से काम किया है। बस्तियों को गुमराह करने का जो काम करते हैं, आप सिर्फ मुझे इतना जवाब दे दीजिए, अगर आप बिल्कुल हितैषी है मलिन बस्ती में, आपके अनेक साथी जो है वो मलिन बस्ती से आते हैं, आपके कार्यकर्ता खड़े हैं, अगर आप उनके हितैषी थे तो आपने 3 साल आगे क्यों बढ़ाए, उन्हें मालिकाना हक जो कमेटी बनी थी वो क्यों नहीं दी, आपने 3 साल क्यों बढ़ाए आगे। चलिए, आम आदमी पार्टी बड़े सोच रही है कि मैं क्या जवाब दूं इसके ऊपर। हाँ जी, आम आदमी पार्टी दोनों बहुत लड़ रहे हैं, मलिन बस्ती पे घिर गए हैं दोनों, आप लोग बताएं। मैं वास्तविकताओं पर जाऊंगा। अभी मुझसे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने दून अस्पताल में स्मार्ट शौचालय बनाया, लेकिन दून अस्पताल में MRI मशीन नहीं है, ये दुर्भाग्य है। दूसरी बात है, आपने कहा हमने परेड ग्राउंड में बहुत अच्छा शौचालय बनाया, लेकिन परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी का काम नहीं हुआ। आपने खोद खोद कर मट्टी को 32-33 करोड़ रुपए खराब कर दिया, और देहरादून में बुलेट ट्रेन भी चला दी इन लोगों ने, ये इनकी उपलब्धियां हैं। दूसरी बात, मेरे गृह वार्ड में आपने कहा कि मेरे गृह वार्ड में बहुत विकास कार्य हुआ है, तो मेरे गृह वार्ड में नालियों को भूमिगत करने के लिए, अंडरग्राउंड करने के लिए एक ठेकेदार को ठेका दिया, तो उसमें भी मिली भगत का आरोप इन पर लगा है, और आज वो ठेकेदार RTI के दायरे में फंसा हुआ है, और उसमें संलिप्तता विधायक की भी नजर आ रही है। तो ये उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी सरकार की, और मलिन बस्तियों के नाम पर आप बार बार अध्यादेश लाकर आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, आप गैरसैंण के नाम पर लॉलीपॉप दे रहे हैं, आप बेरोजगारी के नाम पर लॉलीपॉप दे रहे हैं, आप महंगाई के नाम पर लॉलीपॉप दे रहे हैं। अच्छा, लॉलीपॉप की बात करेंगे, आपके पास कितने लॉलीपॉप हैं ये बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूंगा कि मात्र 9 साल के राजनीतिक इतिहास में भारत में एकमात्र राजनीतिक दल ऐसा है जिसने कहा कि हम बिजली और पानी सस्ता देंगे, फ्री देंगे, और उसके बाद एकमात्र मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने ये कहा कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना, अगर हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना। आज की डेट में आप सभी जानते हो कि जब से उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी ने बिजली और पानी पर बात करी, तो मैं समझता हूँ हरीश रावत जी की भी जवान फिसल रही है, और कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत जी की भी जवान फिसल रही है। जनता से जवाब। हाँ जी, मेरा कहना मतलब है, अगर किसी बेटे को अगर किसी बाप का बेटा हूँ, तो मैं अगर फ्री में मेरा बाप मुझे फैसिलिटी दे दे, तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हवेली मुझे मिली हुई है, फ्री की बिजली का पानी है, फ्री कोई मुद्दा नहीं है, आप फ्री दे रहे हैं। नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी कहती है कि हम बिजली फ्री करेंगे, हम पानी फ्री करेंगे। बिजली और पानी फ्री देना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर बिजली और पानी वो फ्री दे भी देंगे तो वो जनता के जेब से ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फ्री अगर मत दीजिए, कम करिए। और बीजेपी पार्टी ने जितना काम किया है, आपको प्रश्न बताएं, हमारा प्रश्न तो आम आदमी पार्टी से है। हाँ जी, कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जो है 2022 में चुनाव लड़ेंगे तो हम आपको बिजली फ्री देंगे जी, है ना, आपको पानी फ्री देंगे जी, हम नौकरी देंगे जी। बिजली और पानी फ्री देना कोई बात नहीं है, ठीक है ना, वो जनता की जेब से ही जाना है। टैक्स बढ़ा देंगे, कुछ और चीजें बढ़ा देंगे, वो बिजली जनता की जेब से जाएगा। हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। हाँ जी, आपके जो लॉलीपॉप है, फ्री बिजली, फ्री पानी, और 5,000 रुपए आप भूल गए, 5,000 रुपए भी हैं। हाँ जी, इनको नहीं चाहिए। आपको बता देना चाहता हूँ कि फ्री कुछ नहीं है, ये जनता का अधिकार है। हम माचिस की तीली और कोल्ड ड्रिंक भी खरीद रहे हैं, उस पर भी टैक्स देते हैं। तो जब पुष्कर सिंह धामी फ्री बिजली ले सकते हैं और फ्री का पेट्रोल यूज कर सकते हैं, और हमारे विधायक फ्री की बिजली यूज कर सकते हैं, फ्री का पेट्रोल खर्च कर सकते हैं, तो एक आम आदमी को अगर ये अधिकार मिल रहा है तो बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? चले चले, आम आदमी इनका ना सीधा सीधा साहब ये बोलते हैं कि आप लोग पेट्रोल फ्री का भराते हो, दाम नहीं पता लगते उस टाइम। प्रतिनिधि की बात करें, अच्छा, जिस टाइम ये यहाँ है तो हमारे लिए विधायक जी के खंड का भौगोलिक विषम परिस्थितियों से उत्तराखंड सिमटा हुआ है। कोई और प्रश्न? दो मिनट, अरे दो बहन जी, अरे सुन लीजिए मेरी बात। मैडम सुनिए, आप पहले प्रश्न ले लीजिए, सवाल जवाब इधर से करिए। विशाल जी, उत्तराखंड का भौगोलिक विषम परिस्थिति से सिमटा हुआ है। आज आम पार्टी के लोग नंदा देवी को आज कूड़े का ढेर के समान
चिन्हित करते हैं। हमारे गढ़वाल के व्यक्ति को वहां कत्लेआम किया जाता है। आज आम पार्टी जवाब देने के लिए कतरा रही है, केवल फ्री का लॉलीपॉप देना चाहती है। उत्तराखंड का व्यक्ति, हमारा जनमानस स्वावलंबी है, अपने हाथ से काम करना जानता है, मेहनत कर ईमानदारी से काम करना जानता है। उत्तराखंड का जनमानस एक आत्मनिर्भर भारत के तहत आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के साथ बढ़ रहा है, इसलिए उत्तराखंड का जनमानस फ्री नहीं चाहता, केवल सुलंबी के साथ की बात करता है। चलिए विशाल जी, विशाल जी जनता से प्रश्न ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप बताएं। क्या बताएं, क्या कोई प्रश्न किससे है आपका? प्रश्न ये था कि आप पार्टी के जो हमारे साथी साथी जो हमारे जो है कह रहे थे कि केजरीवाल ने दिल्ली में पानी बिजली फ्री दे दिया, और वो उत्तराखंड के बाद भी कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे। अरे उत्तराखंड की सरकार अपने कर्मचारियों को तो तनख्वाह तो दे नहीं पा रही, वो कहाँ से पे करेंगे? यहाँ की राजनीति को खराब करने के लिए यहाँ आए। और बीजेपी के हाल है, पेट्रोल और डीजल और घरेलू गैस इतनी महंगी हो गई। अब जाके मोदी ने थोड़े से दिखाने के लिए पैसे, अभी फिर बढ़ेंगे वो दिखाने के लिए पैसे कम कर दिए। वो किसने करे कि हिमाचल में तीनों सीट ये हार गए, इस ये भी बच्चे हैं, तीनों सीट वहाँ के हार गए हैं, इसलिए उन्हें पैसे कम करें, वो फिर बढ़ जाएंगे, 33 पैसे फिर बढ़ जाएंगे। ये आम आदमी पार्टी, एक मिनट, आम आदमी पार्टी आपके आपके लिए कहा है उन्होंने कि जो आप फ्री बोल रहे हो, बिजली पानी फ्री, ये फ्री वो फ्री, इनको नहीं चाहिए। जनता में से ज्यादातर लोगों को फ्री का प्रलोभन नहीं चाहिए। आप है ना? हाँ जी, आप बताएं। देखिए, मैं फ्री की बात पे आ रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूँ, एक मिनट, चर्चा को दीदी, पहले चर्चा को रिलेन लगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो स्थितियाँ बन चुकी हैं दिल्ली के अंदर, 2012 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 47 दिन की सरकार के बाद 2014 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। नौ वर्षों से लगातार दिल्ली में 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। तो अगर हम फ्री का लॉलीपॉप दे रहे हैं तो दिल्ली की जनता बार बार हमें आशीर्वाद क्यों दे रही है, आपको मैं पूछना चाहता हूं। चलिए, दिल्ली की आपने 75 कैबिनेट मंत्री, 11 मुख्यमंत्री, 200 सांसद दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लगाए, लेकिन उसके बाद भी आज 62 विधायक अगर दिल्ली की जनता हमें जिता के भेज रही है, तो कहीं ना कहीं जो आशीर्वाद, जो जन आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। और फर्जी राष्ट्रवाद की मैं बात करूं, आज देवस्थानम बोर्ड के नाम पर, हिंदुओं की आस्था पर और हिंदुओं की परंपराओं पर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रहार करा जा रहा है, और एकमात्र राजनीतिक दल है उत्तराखंड के अंदर जो आज आध्यात्मिक राजधानी की बात कर रहा है। अच्छा, चलिए, हिंदू या आप पे हिंदू होने पर प्रश्न उठा रहे हैं, आपको, आप हिंदू या मुसलमान किस में बांट रहे हो? आप पार्टी को किस में बांट रहे हो? एक तरफ तो आप कभी टोपी पहन लेते हो, मुस्लिम वोट चाहिए होते हैं आपको, इधर आप यहाँ आके हिंदुओं के आप राजनीति कर रहे हो या समस्या सॉल्व करने आए हो? बताता हूँ कि आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन जब मोहन भागवत जी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि बनते हैं, और जब शाहनवाज हुसैन और नकवी साहब इनके प्रवक्ता के रूप में बयान देते हैं, तो तब तुष्टिकरण की और सांप्रदायिकता की राजनीति नजर नहीं आती। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी क्षेत्र के विकास की या आम जनमानस के हित में बात करती है, तो तुरंत आप सभी लोग, मैं आपको बता दूं, आप लोग पार्टी अगर हिंदू न मुसलमान, हिंदुस्तान की बात करते तो समझ में आता, पर आप लोग हिंदू मुस्लिम में बांट के कोशिश करते हो, गलत है। हाँ जी, अरे दो मिनट चुप हो जा भैया। हाँ जी, हाँ जी, आम पार्टी ने हिंदूवाद का बात करी, हिंदू और तुष्टिकरण की बात करने लगे। अरे अरविंद केजरीवाल जी की नानी ने कहा था कि मंदिर बन तो जाए अच्छी बात है, लेकिन मस्जिद टूट के बने तो अच्छी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल की नानी ने कहा था, है ये नानी याद आ गई इनको, मस्जिद तोड़ने में इनको बड़ा दुख हो गया। आज हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आज देश के विकास की बात करिए। देश के विकास में मोदी जी ने 4 धाम के लिए ऑल वेदर रोड का निर्माण कर दिया, कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कर दिया। आज मोदी जी के जनोद्धार, केदारनाथ के जनोद्धार की आप देवस्थान बोर्ड की बात कर रहे हैं, देवस्थान बोर्ड में क्या
क्या किसी का हक हुक्का खत्म हो रहा है? देवस्थान बोर्ड सरकार का विजन है, सरकार उसमें काम कर रही है और सबको साथ देकर काम कर रही है। ऐसी संवेदनशीलता, ऐसे तुष्टिकरण की राजनीति बेकार है। आप भाई भतीजा बात करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम कराना चाहते, इनके लिए साइन बाग जैसे एक मिनट। आप लोग बड़ा जिंदाबाद वगैरह कर रहे हो, आप अपने मुद्दे भूल जाते हो और फिर जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर देते हो। जो वो जवाब देना चाह रहे हैं वो आप सुनना नहीं चाहते, इन लोगों के पास वो बात पहुंचने देना चाहते, ये चक्कर क्या है भाई? अपने प्रश्न करो ना जी। मेरा प्रश्न आपको बताएं। मेरा प्रश्न देश की सरकार से है। देश की सरकार नहीं, आपने क्षेत्र की बात करें, आप अभी सरकार से पूरे बहुत लंबा हो जाएगा जी। मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से है जी, जो कि हमारे गरीब लोग हैं, सिलेंडर का भाव आज 940 रुपए हो गया है। तो ये बात करो, बिल्कुल सही बात है, सिलेंडर का भाव आज 940 रुपए हो गया है, खाने वाला, जो कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, उसके उसमें हमारे बीजेपी के क्या बताना है? ये बीजेपी की सरकार करी ना, सिलेंडर महंगा, तेल महंगा, खाने, इनका महंगाई पे इनका प्रश्न है। पर जिंदाबाद के नारे लास्ट में लगाना, अभी जिंदाबाद के नारे कोई नहीं लगेंगे यहाँ पर, ये प्रोग्राम के यहाँ मुद्दों की बात होगी। अब मुद्दे हर आज, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर आदमी की बात सुनी जानी बहुत जरूरी है। आप बीच में ये जिंदाबाद ये सब कर करा के ना, ये बाद में करिएगा आप, ठीक है? अब आप किसके प्रश्न? हाँ जी, आप भी जिंदाबाद थोड़ा कम करिएगा, अभी मौका दूंगा उसका भी। देखिए, जिंदाबाद इसलिए कर रहे हैं, जिंदाबाद वाले काम किए भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए जिंदाबाद कर रहे हैं। और हम भी कांग्रेस सरकार से, जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत, वो पंजाब के प्रभारी हैं, और पंजाब में जब उन्होंने चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया, तब उन्होंने बोला कि मैं दलित मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। अब हमारे जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री थे यशपाल आर्य जी, वो कांग्रेस में गए हैं, क्या वो उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? अगर वो इतनी ही दलित हितेशी वो अपना पार्टी बांधते हैं, तो वो बताए हमें कि वो उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ जी बताएं, कांग्रेस से सवाल है इनका जी। बहुत बढ़िया प्रश्न मेरे भाई ने, बहुत बढ़िया प्रश्न मेरे भाई ने करा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उसको भी आस्था कांग्रेस से ये कि कांग्रेस ही दलित को सम्मान दे सकती है। जिस तरीके से मीरा कुमार जी को लोकसभा का अध्यक्ष बनाकर दलित महिला का मान बढ़ाया, जिस तरीके से प्रथम राष्ट्रपति के रूप में केआर नारायणन जी को देश में राष्ट्रपति बनाकर दलितों का मान बढ़ाया, और अब जिस तरीके से आदरणीय हरीश रावत जी ने प्रभारी रहते हुए जो महत्वपूर्ण निर्णय लेके चन्नी जी को जो दलित जो है मुख्यमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता है कि वो दलितों को यूज़ कर रही है, दलितों का दमन कर रही है, दलितों पर अत्याचार कर रही है, इसलिए उनको कांग्रेस से उम्मीद है। और मैं अपने साथी को, अपने भाई को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हो सकता है 2022 में जो उत्तराखंड के अंदर उनकी ये जो इच्छा है वो पूरी होगी, और पर ये कांग्रेस का अपना फैसला होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर उनकी सरकार है, क्या उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी भी हरीश रावत जी की पहल पर आगे आकर दलित मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी? जरा मेरे युवा साथी से। चलिए जी, दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये तो दलितों में बांट रहे हैं पूरे प्रदेश को, दलित, उच्च जाति, पंडित, ये सब में बांटोगे, आम जनता का होगा क्या इस तरह से? इनमें मत बांटो भाई, भारतीय जनता पार्टी सब पार्टी का काम ही बांटने का रहा। कोई नहीं, अभी तो आपने, अभी अभी आपने सुनिए सुनिए, नहीं 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 नहीं, अभी सुनिए, आपने भी वही किया है, ये क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इन चारों बातों पे भारतीय जनता पार्टी का कार्य होता है। दलित का साहब, दलित क्या अंत्योदय की अवधारणा दीनदयाल उपाध्याय जी की देन है, और बस्ती के अंदर अंतिम पंक्ति पे खड़े व्यक्ति को अंतिम पंक्ति पे लाने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, जिन्हें राष्ट्रपति बनाया है, दलित चेहरे को बनाया, जिन्हें राज्यपाल बनाई, बेबी रानी मौर्य बनाई, आज इतने बड़े ओहदे पे हमारे मकवाना जी पहुंचे, इतने बड़े ओहदे पे सुराज विधान जी पहुंचे, और पंच तीर्थ बाबा भीमराव अंबेडकर जी के, बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का काम, बाबा साहब की दीक्षा भूमि को स्मरण करने का काम, उनकी स्मृतियों को संवारने का नाम, उनका अलीपुर का मकान को संवारने का काम, बॉम्बे के हिंदू मुल्क को संवारने का काम, लंदन की उनके निवास को लाइब्रेरी का रूप देना, ऐसी व्यवस्थाओं के साथ बाबा भीमराव निर्माण करने वाले, सांस ले लीजिए, जनता पार्टी का व्यक्ति करता और कोई नहीं करता। अच्छा सांस लेके, एक मिनट, मैं प्रश्न कर लेता हूँ, आपने इतने सारे गिना दिए बिना एक सांस में, आप एक बार बताएं, आपने बेबी रानी मौर्य को हटाया क्यों? फिर हटाने का जो हमारा संविधान समिति होती है, उनका व्यवस्था है, यह हर बनाया भी हमने व्यवस्थित तरीके से, हर चीज को व्यवस्था के साथ संवेदनशीलता अपनाई जाती है, ये बड़ी टीम का काम है। अच्छा चलिए, अच्छा कर्नल जनरल की लड़ाई में तो नहीं हटा दिया आपने कहीं?
कर्नल जनरल की लड़ाई में कि कर्नल साहब इधर आगे आ रहे हैं तो जनरल साहब को बैठा दिया जाए? हाँ जी देखिए, ये वास्तविकता है। पहला एकमात्र राजनीतिक दल जो एक ऐसे योग्य व्यक्ति को, आप तीनों मुख्यमंत्रियों की जो भी आप मुख्यमंत्री प्रमोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लोग, उसकी तुलना आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ आप एक बार कीजिए ना। आप योग्यता के आधार पर जो व्यक्ति 12,000 युवाओं को सेना में नौकरी दे रहा है, विशिष्ट मेडल से और मैं समझता हूँ परमवीर चक्र से जो व्यक्ति सम्मानित है, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आज मूलभूत सुविधाओं के नाम पे मात्र 5 काम गिना दे बीजेपी के लोग, हम राजनीतिक रूप से डिबेट छोड़ के चले जाएंगे। आपने पूरे पूरे 5 साल में, आप आज भी मैं समझता हूँ विडंबना दुर्भाग्य है कि दोबारे सत्ता होने के बाद भी आप टूटी हुई सड़कों पर बात कर रहे हो, टूटी हुई नालियों पर बात कर रहे हो। आप 5 काम गिना दीजिए जो आपके कार्यकाल में हुए हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि रोजगार के नाम पे 56,000 नियुक्तियां सरकार में पूरे प्रदेश में, लेकिन कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में युवाओं की स्थिति क्या है आज आप निश्चित रूप से देख लीजिए। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूरण भरतियाल आप पे आरोप लगा रहे हैं, जोल जी बेटा रखते हैं आज कहीं ना कहीं कर्मकार कल्याण बोर्ड के नाम पर आप पे आरोप लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस आपकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। और कहीं ना कहीं जब तक नौ विधायक कांग्रेस में होते थे, जब तक नौ विधायक कांग्रेस में होते थे तो काले चोर होते थे, जैसे ही भाजपा में शामिल हुए सभी पे गंगा जल छिड़क दिया गया। आज इनका एक विधायक टूटकर, जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, जिनकी कोई सोच नहीं है, आज यशपाल आर्या जी टूटकर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में चले गए, तो क्या मजाक हो रहा है उत्तराखंड के अंदर? कभी कोई विधायक भाजपा में रहता है, कभी कोई विधायक कांग्रेस में चला जाता है, तो जनता के सरोकारों से आपका क्या ही जुड़ा है? मैं पूछना चाहता हूँ कि जब तक नौ विधायक कांग्रेस में हुआ करते थे तो काले चोर लगते थे भाजपा को, और जैसे ही भाजपा में शामिल हुए तो पता नहीं ऐसा कौन सा गंगा जल और वापस ले तो लिए उन्होंने, बोल तो दिया कि हमारे वापस करो चोर। हाँ जी बताएं जी, आपके विधायक खरीद फरोख्त, ये क्या चल रहा है सब कुछ? जनता के मुद्दों पे बात नहीं होती, हम तुम्हारे ताजपोशी पे बात करते रहे। दो मिनट, राजपुर रोड विधानसभा के 5 बातें इन्होंने मेरे से उपलब्धियां मांगी है। 5 बातों का रुख मैं इनकी ओर आकर्षित करता हूँ। रेस कोर्ट, जहाँ पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ता था, रेस कोर्ट त्यागी रोड चंद्रनगर की बस्ती के लोगों को, वहाँ इतना बड़ा बजट से ट्यूबवेल बन रहा है अमरीक हॉल के सामने। दो मिनट मेरी बात सुन लो भैया, उपलब्धि सुन लो, आप उपलब्धि सुन लो ना यार। हाँ है, कामली रोड का ड्रेनेज सिस्टम पे हमने उपलब्धि, हाई टेंशन तार राजकुमार विधायक जो पूर्व का विधायक है उसके ऊपर से हटाना सबसे बड़ी उपलब्धि, निमामी गंगे से समुदाय भवन बनाना सबसे बड़ी उपलब्धि, सड़कों का निर्माण। आज ये जो सड़कों की टूटी फूटों की जो बात कर रहे हैं वो केंद्र की सरकार के माध्यम से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी क्या उपलब्धि लाएगी, क्या सौंदर्यकरण होगा, घंटाघर का सौंदर्यकरण देगी। जहाँ अभी मैंने शौचालय की बात करी, गांधी पार्क के शौचालय की बात करी आप, आप व्यवस्था के साथ खजानदास जी ने संवेदनशीलता अपनाई है, आप विकास के जो मॉडल पे उतरना चाहिए था वो खजानदास जी ने कार्य किया है। खजानदास जी विकास का एक नाम है, इस क्षेत्र की जनता, गली के नुक्कड़ के लोग खजानदास जी को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को पसंद करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आने वाले समय पर यहाँ से विजय श्री प्राप्त करेगा। चलिए एक प्रश्न और आ रहा है उधर से, एक मिनट विशाल जी एक मिनट भैया, आपको मौका मिला प्रश्न करने का, आप प्रश्न अपने समय पे कीजिए, आप माहौल ना खराब कीजिए यहाँ पर, एक मिनट। हाँ जी, आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी में सबसे अहम भूमिका इस शहर को स्मार्ट रखने की भूमिका किसकी होती है? एक सफाई कर्मचारी की। यहाँ सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं है, उनकी तनख्वाह टाइम पे नहीं है, 8,500 रुपये तनख्वाह मिलती है। यूपी के अंदर सफाई कर्मचारी को 18,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है जो डेली बेस पे है, और यहाँ मिल रही है 8,500 रुपये। तो ये भेदभाव क्यों है ये, ताकि ये राजधानी। एक तरफ तो वो बोलते हैं कि हम 5,000 रुपये भी देंगे, बिजली भी फ्री देंगे, पानी भी फ्री देंगे, सरकार आपकी है, ये बोलते हैं। रोजगार के ऊपर अगर हम बात करें, सफाई कर्मचारी को तनख्वाह तक नहीं मिल पाती, तो जब आप तनख्वाह ही नहीं दे पा रहे हो मौजूदा सरकार में, तो आप वाले सरकार अगर मान लो इनकी बन गई, तो ये वो फ्री कहाँ से देंगे? जब आपके पास है तभी तो देंगे, तो वो फ्री वाला ये जरा फंडा लोगों को समझा दीजिए कि आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो और वो फ्री देने की बात कर रहे हैं। ये फ्री का लॉलीपॉप तो आम पार्टी वाले दे सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चीज में संवेदनशीलता अपनाती है। आयुष्मान कार्ड भारत का
पहले ध्यान भैया विशाल जी दो मिनट सुनिए, पूरे देश में अटल आयुष्मान के नाम से कार्ड नहीं है, प्रधानमंत्री आयुष्मान 5 लाख का इंश्योरेंस, और हमारे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपका आयुष्मान कार्ड बनाए, अटल आयुष्मान के तहत बनाए, अटल आयुष्मान 5 लाख का मुआवजा, 5 लाख का इंश्योरेंस, इसलिए लाभ मिल। विशाल जी आपका बनाए आयुष्मान कार्ड बनवाया है, आयुष्मान कार्ड बनवाया आपने, आपने आयुष्मान कार्ड बनवाया, अटल आयुष्मान कार्ड बनवाया, आप बताइए अटल आयुष्मान कार्ड बनवाया, आप बताइए अटल आयुष्मान, आपने बनवाया, आपने बनवाया, आप बताइए अटल आयुष्मान कार्ड, अटल आयुष्मान भारतीय, अटल आयुष्मान कार्ड बनवाया, पहले ये बताइए अटल आयुष्मान कार्ड बनवाया नहीं बनवाया? चलो चलो इनका जवाब दी, अरे एक मिनट एक मिनट, हाँ जी आप बोलिए आप, एक मिनट एक मैडम, मैडम माइक मेरे पास है, माइक मेरे पास है, ऐसे कार्ड का क्या करेंगे जिसमें एमआरआई टेस्ट नहीं होता है, जिसमें क्या कहते हैं एंडोस्कोपी नहीं होती है, बहुत छोटे छोटे हैं, मैं बता तो रही हूँ, केवल छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एंडोस्कोपी एंडोस्कोपी वगैरह नहीं होती, एमआरआई नहीं होती है, सुनो तो सही, आप सुन क्यों दे रहे हो, आप सुनिए पहले, आप सुनिए, आप जनता की आवाज नहीं सुनते हो, पहले आप चिल्ला के लोगों को दबाने की सोचते हो, जनता को दबा रहे हो आप लोग चिल्ला चिल्ला के, जनता को दबा रहे हो चिल्ला चिल्ला के, वो जो बता रही है तो उसको सुन क्यों नहीं रही हो आप, ये देखो ना। अच्छा चलिए, अच्छा एक मिनट शांत शांत शांत, पहले शांत, पहले शांत, एक मिनट शांत, विशाल जी दोनों विशाल जी से अपनी विशालता का परिचय दीजिए थोड़ा सा, आप आपस में जनता की बात सुन लीजिए, आपसे क्या चाहती है वो सुन लीजिए, आपने क्या किया है वो सुन लीजिए, सुनना बहुत जरूरी है। हाँ जी हमारा निवेदन ये है, सुनो भाई सुनो, हमारा निवेदन विशाल जी सुनो, ये है कि बहुगुणा जी जो अपने आप को तमाम सेकुलर वाजी बताते थे और जिन्होंने ये कहा था कि ये दाऊद के साथ मिले हुए हैं, और बीजेपी ने पूरे शहर के अंदर पर्चे बांट दिए कि ये दाऊद के साथ मिले हुए हैं, इनका इस्तीफा होना चाहिए और ये जो है गलत है भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट आदमी 11 आदमियों को लेकर के इनके साथ चला गया बंगाल, और बंगाल में बंगाल के एक मिनट नहीं 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 नहीं, अब वो दाऊद का आदमी वो इनका प्रिय आदमी होकर के बैठा हुआ है, ऐसे ही बंगाल में जितने भी भ्रष्ट थे, हिंदुस्तान का कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा आदमी नहीं है जिनका इन्होंने दामंडा पकड़ा हो, चाहे वो मुफ्ती महोदय शहीद हो, चाहे वो शेख अब्दुल्ला हो, चाहे वो जो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो AIDMK हो, इनको सत्ता बनानी थी, इनको सत्ता बनानी थी, हर जगह से इन्होंने खरीद फरोख्त करी, वंदे मातरम भारत माता की जय और राष्ट्रवाद के नाम पे और नफरत के बुनियाद पे इन्होंने तमाम सत्ता बना करके रखी है, अब इनकी वापसी शुरू हो चुकी है। चलिए चलिए यहाँ से सत्ता सत्ता पक्ष से, सत्ता पक्ष से लोग नाराज भी हैं। हाँ जी कांग्रेस से आप बताइए जी, इनके पास तो गंगा जल है, हाँ हाँ बताएं, वॉशिंग मशीन भी है इनके पास, वॉशिंग मशीन मोदी वॉशिंग मशीन है इनके पास, जितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी है वो जब दूसरी पार्टी में होगा भ्रष्टाचारी है, जिस दिन इनके पास हो जाएगा वो धुल जाता है वो पास से। हमारे एक साथी ने अभी इन्होंने जवाब नहीं दिया इन्होंने, और उसी गंगा की नगरी में जो है मोदी जी को ठोकर लगी थी, ये शायद विशाल भाई भूल रहे हैं, अभी हमारे एक साथी ने जो है सफाई कर्मचारी पे बहुत ही संवेदनशील जो है सफाई कर्मचारियों के विषय पर अपना सवाल रखा था, और विशाल भाई के पास बताने के लिए कुछ था नहीं, तो इसलिए विशाल भाई जो है आपसी बहसबाजी में लग गए थे। मैं उन साथी को जो है धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सफाई कर्मचारियों की पीड़ा को मद्देनजर रखते हुए अपनी बात को रखा, और पूरे कोरोना काल में मैं सफाई कर्मचारियों को जहां सबने महत्वपूर्ण तरीके से कोरोना काल में काम किया, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सेस हो, चाहे वो कंपाउंडर हो, चाहे वो हमारे जो लैब के लोग हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, सभी लोगों ने अपना जो महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं, और उन्हीं सेवाओं में जो है सफाई कर्मचारियों ने भी अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है कार्य करने का काम किया। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घोषणा करी थी कि 5 महीने तक उन्हें 2000 रुपए जो है उन्हें प्रोत्साहन राशि देंगे, अभी तक 1 महीने की राशि नहीं मिली, और मैं ये बताना चाहता हूं कि 22 नवंबर 2016 का शासनादेश उठाकर देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय कांग्रेस की सरकार रहते हुए इस प्रदेश के अंदर हरीश रावत जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 859 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया हरीश रावत जी ने, और 2121 सफाई कर्मचारी जो ठेके पे काम करता था उनको संविदा पे करने का काम किया था, और मैं अपने उन साथी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2022 में जब इस प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेगी,
करेगी तो इस प्रदेश का जो सफाई कर्मचारी वो नियमित होगा। विशाल भाई के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उस मुद्दे से भटक गए। भाई साहब, इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जी थे धन सिंह रावत, उन्होंने एक लोकसभा के चुनाव में कहा था हरक सिंह जी के हारने के बाद, अगर कोई पहाड़ की बेटी अगर गुम होती है तो वो हरक सिंह जी के यहाँ जाती है। तो वे आज ये हरक सिंह जी को पाक साफ बताते हैं और विजय भगना जी को कहते थे 100 गुणा घोटालेबाज। सदन के अंदर इनके नेता प्रतिपक्ष कहते थे विजय भगना घोटालेबाज है, आज वो विजय भगना जी को ये भाजपा लेके क्यों बैठी है और हरक सिंह जी को। सर एक सवाल और। हाँ जी, आप भी ले। जैसे अभी भाई साहब किससे आपका नहीं, अभी भाई साहब ने कहा था, विशाल भाई साहब ने, कि हमने सबके अकाउंट खुलवाए फ्री अकाउंट, लेकिन उस अकाउंट का फायदा क्या, आज तक 5 रुपए भी नहीं आए उसमें। तो हाँ जी, मेरा आम आदमी पार्टी से एक प्रश्न है कि इनकी सरकार दिल्ली में 6.5 साल से, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो अरविंद केजरीवाल ने, मैं भूल जाऊंगा, रुक जाओ पहले 2 प्रश्न इनके ले लूं। हाँ जी जवाब दीजिए। हाँ जी उनके जवाब दीजिए। जवाब देखो, हर आदमी आरोप लगाने में भोगना जी आ गए या और कोई आ गया, जब गंगा मैया चलती है सारी नदियां समाहित हो जाती है उसमें, और गंगा जैसे हो जाते हैं, इसलिए इसमें कोई बोलने की जरूरत नहीं। आज विजय भोगना जी हमारे वरिष्ठ नेता है, आज हमारे वरिष्ठ नेता है, गंगा मैया की अवधारणा है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, सब अपने, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके साथ मिलकर कार्य करना है सबको। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है वो क्यों लाए फिर आप? अभी 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 काला जी कह रहे हैं कि गंगा, दो मिनट, गंगा मैया में गंदा नाला नहीं मिला सकते। गंदा नाले की बात थी तो आपने यशपाल आर्य को क्यों ले लिया, वो तो गंदा नाला था। क्या हो गया अब कौन सी संवेदनशीलता अपना लिया आपने? आपने हमारे वालों को क्यों ले लिया, क्यों खींच लिया, क्या दिक्कत आ गई? एक मिनट, दो सवाल करे, दो में से एक भी जवाब नहीं मिला मुझे, ये भटका रहे हैं सिर्फ। मैंने भी दो करे, इन्होंने जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात, इनके उस टाइम के नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट जी सदन में विधायकों को लेके कहते थे विजय भगना घोटालेबाज, 100 गुणा हो गए, और आज वो ही विजय भगना को 16 मार्च 18 मार्च को लेकर दिल्ली में और राजभवन पर सरकार गिराने का प्रयास किया और हरीश रावत जी को घोटालेबाज किया। आज इनके मुख्यमंत्री, तीन मुख्यमंत्री, इनके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का स्किन हुआ, उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? इनके मुख्यमंत्री को केदारनाथ से भगाया गया, उस पर क्यों जवाब नहीं देती भारतीय जनता पार्टी? और भारतीय जनता पार्टी कहती थी हरक सिंह रावत लड़की बाज है, लड़के बाज है, आज वो हरक सिंह रावत इनकी पार्टी में क्यों है? और इनके 10 विधायक यशपाल आर्य और हरीश रावत जी के टच में है। आपका आपका शुभ नाम क्या है? आपका मोहम्मद फैजल। सुन लीजिए, इस बच्चे में या भाई में इतना दम है ना, 2 पार्टियां इसकी तरफ देख रही है यार, ये हमारे में मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा, है ना? 2 पार्टियां, और इसके प्रश्न जो हैं बड़े सही हैं, बहुत सही प्रश्न है इसके, और आपको जवाब देना पड़ेगा आपको। नहीं, बच्चे ने जो अपनी अंदर की जो आवाज थी वो निकालने का कार्य किया, इस बच्चे को भी जवाब मिलेगा, समय के अनुसार मिलेगा, क्योंकि ये बच्चा भी हमारा है और मेरे से बहुत पुराना परिचित है। इसके मन में जो पीड़ा है और पीड़ा को भी हमें दूर करना है, और प्रदेश के विकास के लिए सारे मिलकर, और भारतीय जनता पार्टी सरोकार के लिए कार्य करती है और सबके साथ मिलकर कार्य करती है। 22,000 लोगों के आपने रोजगार, आपके मुख्यमंत्री जाते हैं बोल रहे हैं मैंने घोषणा करनी थी, वो चले गए, फिर आपने निकाल दिया जनवरी में आपके, आप इन बच्चों का दर्द समझिए आप। बिल्कुल, इनका दर्द से मैं वाकिफ हूँ, इनके दर्द से वाकिफ हूँ। उत्तराखंड में रोजगार के साधन सृजन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता इसमें संवेदनशीलता बना रहा है और अनेक रोजगार के साधन सृजन होने वाले है। चलिए, इनका कहना है कि इनकी योजनाएं जो हैं उसमें रोजगार है, और रोजगार सुन दूसरी चीज। एक मिनट मेरे भाई, तुम कहाँ काम करते हो ये बताओ पहले, कहाँ काम करते हो? हम कैंट विधानसभा में, मैं दुकान वाला हूँ। दुकान वाले हो, ये भाई साहब दुकान कर रहे हैं पर रोजगार पे सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा ठीक है। अच्छा, ताऊ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी ताऊ जी, सब्जी नहीं है। रेवड़ियाँ जो होती है, रेवड़ियाँ अपनों में बांटी जाती हैं, रेवड़ियाँ अपनों में बटती हैं। मेरा तीनों और तमाम जनता जो यहाँ पे खड़ी है, तमाम जो जनता यहाँ पे खड़ी है, हम लोग विदेश नीति में किस कदर फेल करे हैं मोदी शासन में। एक आदमी अमेरिका में जाकर के बोलता है अब की बार ट्रंप सरकार,
जैसे मोहल्ले का कोई पार्षद बोल रहा हो ऐसे बोल रहा है। हम 1 अरब 30 करोड़ की जनता है, वहाँ चाहे रिपब्लिकन आए, चाहे वहाँ पर डेमोक्रेट आए, चाहे कंजर्वेटिव आए, कोई भी आए, हमारी तो नीति उनके साथ रहेगी ना। ये क्या कहना आपकी बात, ट्रंप सरकार से क्या लेके खा रखा था तुमने, ये बताया जाए हमारे को। बिल्कुल बहुत बढ़िया, इन्होंने ट्रंप सरकार से क्या लेके खाया था। हर कोई चाहता है कि ट्रंप उनके साथ हो जाए, ठीक है। एनीवेज, अब आपकी बारी आती है, आम आदमी पार्टी, आप इन दोनों के झगड़े को फायदा उठा के कुछ ना कुछ नए मुद्दों के साथ इस हैं उत्तराखंड में आप राजनीति करने की तैयारी कर रहे हो। आपको लगता है कि जो आपके वादे हैं इनसे सरकार बन जाएगी आपका? दूसरा चीज, जोश कम होता हुआ नजर आ रहा है। जब आपने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की घोषणा की थी पूरा जोश दिख रहा था, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये लोग इस विधानसभा के हैं, हम पूरी 70 विधानसभा घूमते हैं, रोज देखते हैं, और जोश क्यों कम हो रहा है? देखिए, जोश कहीं भी कम नहीं है, और आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से 2022 में सरकार बना रही है। और आज मेरे जीवन का पहला डिबेट है कि जब सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के दो लोगों ने बेइज्जती करी है और तथ्यों के आधार पर करी है, और जब जवाब नहीं बना तो आप भ्रष्टाचारी। बेइज्जती वर्ड नहीं, प्रश्न था उनका, कड़वा प्रश्न है, करेंगे, प्रश्न नहीं था। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये कहते हैं कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, और मैं समझता हूं कि आज राजपुर विधानसभा के अंतर्गत एक भी स्कूल ऐसा है सरकारी जहां पर कहीं एक गरीब इंसान अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग जो ये कहते हैं कि भाई लक्ष्मण भारती में अपने बच्चों को भेजिए, या आरएसएस आधारित स्कूल जो संचालित है उनमें अपने बच्चों को भेजिए, आप इनके बच्चों के रिकॉर्ड उठा के देखिए, जितने भी बीजेपी के नेता हैं सारे बच्चे सेंट थॉमस और सेंट जोसेफ में पढ़ते हैं। चलिए, बड़ा सवाल है। चलिए, अभी और प्रश्न आ रहे हैं, फटाफट प्रश्न लूंगा, जल्दी 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 से। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर चौधरी साहब आप बताइए, चौधरी साहब आप बताइए, चौधरी साहब, विशाल चौधरी जी, आप ये जवाब बताइए, आप 300 यूनिट कहाँ से फ्री देंगे, और हर कहाँ से देंगे आप बता दीजिए हमें। हाँ आप बताइए, पानी फ्री आप दे रहे, कहाँ से लेंगे हम 300? अच्छा, एक मिनट, विशाल जी, अरे भैया प्रवक्ता साहब सुन लीजिए, विशाल जी, एक मैडम, अच्छा मैडम एक बार बताइए मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पर, मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप दोनों के मैं बिल्कुल आपके पांव झुके बोलता हूँ कि भैया थोड़ा सा डिबेट को भी चलने दीजिए। आप 100 पे भारी, दो नारी 100 पे भारी चले, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इनकी बात सुन लीजिए, दो पे भारी। मुझे सर, मुझे उनकी बात का जवाब देना है। एक मिनट चुप हो जाइए भैया। देखिए, मुझे सर एक मिनट का समय चाहिए, मैं आपकी बात का जवाब देना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में हम बिजली कैसे सस्ती देंगे। दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ का है, उत्तराखंड का बजट 60,000 करोड़ का है। जब दिल्ली में हम निशुल्क बिजली देते हैं तो 2200 करोड़ का अतिरिक्त भार आता है। अच्छा मैं प्रश्न कर लूँ, हम लोग निशुल्क बिजली देंगे। अच्छा मैं प्रश्न कर लूँ आम आदमी पार्टी से, अच्छा चलिए, आपके एक मिनट, आम आदमी पार्टी, विशाल जी, केजरीवाल साहब गुजरात जाते हैं, एक मिनट, केजरीवाल साहब गुजरात जाते हैं, बोलते हैं सबसे महंगी बिजली हिंदुस्तान की गुजरात में है, फिर उसके बाद वो पंजाब जाते हैं, सबसे महंगी बिजली पंजाब में है, उत्तराखंड आते हैं, सबसे महंगी बिजली उत्तराखंड में है। ये क्या चक्कर है भाई, ये तुम्हें पता है नहीं है कि कहाँ बिजली? एक मिनट, आप हर जगह की जनता को एक ही प्रश्न करते हो, एक जैसा जवाब देते हो, हर जगह बोलते हो मैं फ्री दूंगा, ये क्या है भाई? एक मिनट सर, मैं एक चीज उत्पन्न, देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड पहले बात जवाब दीजिए, कहाँ महंगी है कहाँ सस्ती है ये बताइए। पहले मेरी बात सुन लीजिए आप, मैं आपको उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा क्योंकि हम लोग उत्तराखंड में बैठे हैं। तो आपके मुख्यमंत्री जिनके आइडियोलॉजी पे आप चल रहे हो वो झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं? सर सच बोलते हैं, क्योंकि कहाँ महंगी है
जी कहाँ महंगी है, वो हर जगह, मैं आपकी क्लिपिंग चलाऊंगा बगल में, जहाँ पर वो बोल रहे हैं आपके बगल में चलाऊंगा, तीनों जगह जाके उन्होंने बोला सबसे महंगी बिजली यहाँ पर है। तो जनता को क्या समझ, निश्चित रूप से महंगी है, जब हम लोग 200 यूनिट जब बिजली हम लोग दिल्ली में फ्री दे सकते हैं, ना बिजली फ्री, ना वहाँ पर बिजली बनती है, ना वहाँ पानी अपना है, ना वहाँ बिजली अपनी है, जब दिल्ली में पानी अपना ना होने के बाद, बिजली अपनी ना होने के बाद भी हम लोग बिजली फ्री दे सकते हैं, तो उत्तराखंड में टिहरी डैम और गंगा यमुना अगर सरस्वती यहाँ से बहती है तो उसके बाद अगर यहाँ पर बिजली नहीं मिल पा रही है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और विडंबना है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार के लिए। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली के अंदर पानी अपना नहीं है ना बिजली अपनी है, जब हम वहां फ्री दे सकते हैं तो यहां तो मैं समझता हूं कि गंगा भी उत्तराखंड के अंदर है और बिजली भी उत्तराखंड के अंदर है, तो यहां यह संभव क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं एक नियत पे बहुत बड़ा सवाल होता है। और आपको मैं बता दूं कि आज से पहले जितनी भी सरकारें उत्तराखंड के अंदर बनी है, आपने ऐसे एमओयू साइन करे हैं अन्य प्रदेशों के साथ, एमओयू तोड़ देंगे, अब तोड़ देंगे एमओयू, तो निश्चित रूप से तोड़ेंगे। आप उत्तर प्रदेश को बिजली दे रहे हैं और अपने लोगों को बिजली फ्री नहीं दे पा रहे, आप अन्य प्रदेशों को उत्तराखंड की बिजली बेच रहे हैं लेकिन अपने प्रदेश के लोगों से उनको ठग रहे हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल नहीं खड़ा होता है क्या? और आपने इस प्रकार के एमओयू, सॉरी मैं एक मिनट मैं आपको बता दूं, देखिए ये पार्टियां ना, ये पार्टियां, मैं तीनों की बात कर रहा हूं, ऐसे ही घुमाती रहेंगी तुम्हें, ऐसे ही घुमाएंगी, ऐसे ही बोलेंगी वहाँ बिजली महंगी, यहाँ बिजली महंगी, यहाँ बिजली महंगी, ऐसे ही घुमाएंगी। अरे ये मैं, आप लोग अपने मुद्दे रखिए सही से। हाँ जी, मुद्दे की बात करते हैं, ये मुद्दे को भड़का के लड़ना शुरू कर देते हैं आपस में। मेन सवाल मुद्दे का, मैंने दो सवाल करे थे, दो मिनट से किसी का भी जवाब नहीं मिला मुझे। महंगाई हो रही ज्यादा, ये सवाल है, करो बात, महंगाई हो रही है सर, महंगाई। चलिए, चप्पा 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 भाजपा विधायक विधा या विधानसभा, विधायक भी है विधानसभा भी है, ये देखो जवाब, विधायक विदा हो रहा है या विधानसभा जा रहा है इस बारी, बताइए आपके यहाँ का। हाँ जी बताइए, बात सुनो भैया, विधायक विदा हो रहा है विधानसभा जा रहा है, विधायक विदा, अरे विदा हो रही है तो भैया एक बहुत बहुत अहम क्वेश्चन है, मैं भी आपकी राजपुर विधानसभा का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 18 चक्कू वाला का, मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे विधायक साहब खजानदास जी हैं कहाँ, वो क्षेत्र में एक भी बाहर नहीं दिखे, वार्ड नंबर 18 चक्कू वाला में हमारे विधायक साहब कहाँ है? चलिए चलिए चलिए, एक प्रश्न वहाँ से है, एक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताएं। मेरा कॉम, जितने भी पार्टी यहाँ पे मौजूद हैं उनसे सिर्फ एक ही कॉमन सवाल है कि सब चीज ये फ्री देंगे, नॉर्मल आदमी टैक्सेशन कर रहा है, पैसा एक्यूमुलेट होके ये फ्री हर एक चीज क्यों देते हैं? लोगों के ऊपर भार पड़ता है, टैक्सेशन वो करते हैं और ये लोग हर एक चीज फ्री कहाँ से देंगे, किसके पास क्या एक्यूमुलेशन है? आम आदमी के पास पैसे के ऊपर बोझ पड़ रहा है, उसका टैक्सेशन कटता है, हर एक चीज है, और ये लोग कहाँ से पैसा देंगे? किसी भी पार्टी के पास आज तक का कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं है, सिर्फ आम आदमी, एक एक आदमी से पैसा लिया जाता है और ये पार्टीज हर एक चीज को फ्री देती हैं। किसी भी देश का डेवलपमेंट फ्री में हो ही नहीं सकता जब तक ये लोग फ्री में बांटते रहेंगे, आदमी के अंदर गैप अमीरी और गरीबी का बढ़ता रहेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न, आपको बोल रहे हैं प्रलोभन देना बंद करें। आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ कि आप कभी अमेरिका और इंग्लैंड में जाके देखिए, वहाँ के नहीं बात की, आपने कहा, आपने ये पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपने कहा कि कभी भी ऐसा संभव नहीं है, अमेरिका इंग्लैंड में जाके वहाँ के नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क स्वास्थ्य मिलता है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बताता हूँ कि कैसे फ्री मिलता है और कैसे संभव है ये सब चीज। जब दिल्ली के अंदर 400 करोड़ का पुल 220 करोड़ में बनने लगा, जब भ्रष्टाचारी के नाम पे जो रोड 80 करोड़ की बनती थी वो 15 करोड़ में बनने लगी, जो मोहल्ला क्लिनिक 40 करोड़ में बनता था वो 22 करोड़ में बनने लगा, तो वो सारा पैसा वहां से इकट्ठा हुआ है। और आज की डेट में आपकी सरकार में आप समझ सकते हैं कि आप सब जानते हैं कि देहरादून से हरिद्वार तक एक हाईवे बना, आप सब लोग प्रत्यक्ष धरती हैं कि देहरादून से हरिद्वार तक हाईवे बनने में कितने साल लग गए भाई, 20 साल लग गए। एक प्रश्न और लूंगा। हाँ जी हाँ जी, कि हम लोग टैक्स देते हैं। हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि अडानी और अंबानी को पूरे बैंक लुटा करके, रिजर्व बैंक लुटा करके, और जो रिजर्व फंड था हमारा रिजर्व बैंक में वो भी लुटाने के बाद में, और आज फिर वो एनपीए कर रहे हैं, उनके सारे लोन माफ हो रहे हैं, उनको हर चीज में छूट मिल रही है। एक चीज और है,
आज जो हमारे जो रूलिंग पार्टी है भाई साहब से हमारा सवाल है कि इन्होंने राम मंदिर बनाया, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कारण क्या है बता दे, कारण क्या है कि वहां पे जब मंदिर रामलला रखे गए थे 5-6 कनफटे साधु गए थे जो शंकराचार्य के शिष्य होते हैं। उसके बाद ताला किसने लगवाया? गोविंद बल्लभ पंत ने लगवाया। उसके बाद ताला किसने खुलवाया? राजीव गांधी ने खुलवाया। उसके बाद मंदिर किसने ढाया? वो आपके नरसिम्हा राव ने ढाया, क्योंकि उन्होंने अपनी फौज को 70 किलोमीटर दूर में रखा। उसके बाद शिलान्यास किसने करा? एनडी तिवाड़ी ने करा। उसके बाद भूमि पूजन किसने करा? एनडी तिवाड़ी ने करा। सारा काम तो इन्होंने करा, ये पैसे बटोरते रह गए। एक चीज पेगासस के मामले में जब साफ स्पष्ट बात है कि वो देश ही खरीदता है और वो देश को ही बेचा जाता है, हमारी सरकार इतनी अनडेमोक्रेटिक हो गई है कि एक रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दे सकती कि नहीं भाई हमने नहीं खरीदा, कहीं चोरी से आया होगा। तुम खरीद करके तुमने गोगोई के पीछे लगा रखा था। वो लड़की जो वहाँ इंटरिम में काम करती थी, इंटर्न थी, उसके परिवार के 11 लोगों को तुमने जो है पेगासस लगा रखा था, 300 लोगों को तुमने पेगासस लगा रखा था, राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है। अरे तो जाके चीन से लड़ो ना, वो पटेल की मूर्ति तुम वहाँ से ले आए, उसके साथ तुम झूले में झूल रहे हो, उसके साथ झूले में झूल रहे हो वहाँ पे साबरमती घाट। सुप्रीम कोर्ट भी कमेटी बनाई है पेगासस इन्वेस्टिगेशन के लिए, आप वो कमेटी के सामने पेश हो जाके सबूत दे दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, चलिए अब 1 घंटा हो गया है और उत्तर आपका है नहीं, उनके जवाब है नहीं। हमारे क्षेत्र में कोई भी सड़क नहीं बनी है। खजानदास जी कहाँ हैं? वो पूछ रहे हैं खजानदास जी कहाँ हैं, हमारे वार्ड में नहीं आए। हाँ जी कहाँ है पता लेके बता रहे, पिलाए गए आपके। अभी खजानदास जी के बारे में चर्चा हुई, निक्कर पहन के क्षेत्र में आपदा में आ गए और ये भाई ढूंढ रहा है खजानदास जी कहाँ है। है? अभी चर्चा हुई है इसी की। आपने पूछा मेरे से प्रश्न कि निक्कर में खजानदास जी आपदा में घूम रहे थे, हैं, और आप पूछ रहे खजानदास जी कहाँ हैं। अब मैं घर लेकर आऊंगा, चाय पीऊंगा आपके साथ। चलिए 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 अब अच्छा अच्छा सुनिए मेरे प्रोग्राम खत्म करने का भी समय आ गया है, लिमिटेड है सब कुछ। और अपने मैं आपको बोलूं, अपने मुद्दे अपनी बातें थोड़ा सहनशीलता से और प्यार से रखिए ताकि हर आदमी सुन सके और इनको फिर आप पकड़ सको दोबारा जब ये कभी सीट पे आए। और व्यक्ति व्यक्ति को वोट दीजिए, पार्टी को बाद में दीजिए। अगर वो व्यक्ति आपके कंट्रोल में है तो पार्टी ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है। तो पहले ये सब आम आदमी पार्टी से भी गुजारिश, वही काम कीजिए जो पच जाए, आप भी वही काम कीजिए जो चल जाए। और आप चोर और वाली राजनीति बंद कर दीजिए कि ये इधर गए उधर गए, ये छोड़ दीजिए क्योंकि सब मौसरे मौसरे भाई हैं यहाँ। चलिए चलिए जी पार्टी ये फ्री क्यों बांटती है हर चीज? ये तो हम भी पूछ रहे हैं इनसे, हम भी पूछ रहे हैं। चलिए पहले सभी दलों से पहले क्या आता है, पहले सभी दलों से पहले देश है, तो भारत माता की, भारत माता की। चलिए जोश और वोट दोनों समझदारी से अपना इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। काम पे वोट दीजिए, व्यक्ति को वोट दीजिए ताकि आपके कंट्रोल में। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपका इसी तरह से मुद्दे उठाती रहेगी फिर दोबारा से किसी और विधानसभा में। धन्यवाद, क्योंकि आज हम उस महात्मा गांधी जी के शरण में बैठे हैं जो सत्य के पुजारी थे, और अगर उस सत्य पुजारी की शरण में बैठकर भी अगर भाजपा के मेरे साथी झूठ बोल दें तो ये असत्य होगा। मलिन बस्ती पे आप दोनों पार्टियों ने हमेशा वोट लिया है, मलिन बस्ती वाले लोग हमारे हैं, इन्होंने कहा हमारे हैं, पर व्यवस्था किसी ने नहीं, केवल वोटों की राजनीति में गरीबी रखी। आज भारतीय जनता पार्टी ने गरीब को समर्पित सरकार के भाव से काम किया है। दून अस्पताल में स्मार्ट शौचालय बनाया लेकिन दून अस्पताल में एमआरआई मशीन नहीं है, ये दुर्भाग्य है। अगर फ्री में मुझे मेरा बाप मुझे फैसिलिटी देते तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। हिंदू न मुसलमान, हिंदुस्तान की बात करते तो समझ में आता कि मंदिर बन तो जाए अच्छी बात है लेकिन मस्जिद टूट कर बने तो अच्छी बात नहीं है। आप अपने मुद्दे भूल जाते हो और फिर जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर देते हो, जो वो जवाब देना चाह रहे हैं वो आप सुनना नहीं चाहते। जनता को दबा रहे हो आप लोग चिल्ला चिल्ला के। एक तरफ तो आप कभी टोपी पहन लेते हो, मुस्लिम वोट चाहिए होते हैं आपको, आप राजनीति कर रहे हो या समस्या सॉल्व करने आए हो? सदन के अंदर इनके नेता प्रतिपक्ष कहते थे विजय भगना घोटालेबाज है, इनके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का स्कैन हुआ उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई, इनके मुख्यमंत्री को केदारनाथ से भगाया गया उस पर क्यों जवाब नहीं देती भारतीय जनता पार्टी? सुन लीजिए, इस बच्चे में या भाई में
इतना दम है ना, दो पार्टियां इसकी तरफ देख रही है यार, ये हमारे में मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। बहुत सही प्रश्न है इसके और आपको जवाब देना पड़ेगा। बच्चे ने जो अपनी अंदर की जो आवाज थी वो निकालने का कार्य किया, इस बच्चे को भी जवाब मिलेगा।